दोस्तों आज हमारे सर श्रीलाल जाटा जिन्होंने 40 वर्ष सेवाएं दी हमारे गांव में, आज उनका फेयरवेल है, विदाई समारोह। तो उसमें हमारे स्कूल के बच्चे उनकी विदाई पार्टी के लिए, देख सकते हो आप, उनके वेलकम के लिए चित्रकारी रंगोली बना रही है, जिसमें हमारे गांव की सभी बच्चियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, क्योंकि इनमें से भी सर ने सभी को पढ़ाया है, कुछ ना कुछ इनको शिक्षा का योगदान दिया है इनके जीवन में। तो आप देख सकते हो कुछ बच्चों के मुंह पर उदासी भी है तो कुछ हैप्पी भी है। तो देख सकते हो दोस्तों, यह स्कूल का मेन गेट जिस पर वेलकम के लिए, और स्कूल में भी काफ़ी डेकोरेशन किया गया है, कुछ बच्चे सर के लिए फूल माला मिठाई वगैरह सब लेके आए हैं। देख सकते हो दोस्तों, स्कूल को पूरी तरह सजाया हुआ है और यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है सर का। आप देख सकते हो ये प्रिपरेशन चल रही है, ये आप देख सकते हो दोस्तों। तो अभी सर आए नहीं, अभी डेकोरेशन का काम, राजेश भी आया है तो सर की विदाई में, देख सकते हो दोस्तों इसमें भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। तो अभी सर को आने में टाइम लगेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, तो बने रहिए। देख सकते हो ये हमारे गांव के स्कूल की बिल्डिंग, आज सर का विदाई समारोह है, तो उसमें बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं सर के वेलकम के लिए। सर अभी एक घंटे बाद आएंगे स्कूल में, इसके बाद उनका विदाई समारोह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा और स्कूल के सब लोग और गांव के लोग पधारेंगे, जिसमें सर को विदाई देंगे। तो दोस्तों बने रहिए। थोड़ा इधर हो बस, अभी दोस्तों देख सकते हैं सर के जो सेफा के टीचर हैं उनका अभी अभिवादन किया जा रहा है, सबका रिस्पेक्ट वेलकम किया जा रहा है, जो लोग सर की विदाई में आए हैं सबके तिलक सुन किए जा रहे हैं। इसके बाद सभी टीचर स्टाफ मिलकर सर का सम्मान करेंगे, ग्रीटिंग सुनेंगे दोस्तों। लेकिन आदर्श हम सब बने हुए हैं, उनका
बन सके, बहुत कुछ हमारे लिए चालू कर दिया और अब दोस्तों मैं भी सर को सर का अभिवादन वेलकम करूँगा, बधाई भी दूंगा और उनसे आशीर्वाद। मेरे पास शब्द तो इतने हैं कि मैं दिन भर भी सर के बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन समय की पाबंदता है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सर ने जो अपनी ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया है हमारे लिए, और उसके जो उदाहरण है आप देख सकते हो, वो सारे टीचर बैठे हैं, हम सब हमारी दूसरी पीढ़ी जो सर ने हमको पढ़ाई है, तो सर ने शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गाँव के लिए जितना योगदान दिया है उसका हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे और सर को हम कभी भूल नहीं सकते। देख सकते हो दोस्तों सर की विदाई हुई, बच्चे
कुछ कविता है, कुछ कहानी है, और अपने जो भी शब्द हैं वो बयां कर रहे हैं सर के बारे में, क्योंकि सर ने शिक्षा में काफ़ी योगदान दिया है। सबके चेहरे हमारे श्री श्रीलाल जाटव जी, जिनको हम कभी बुला नहीं सकेंगे। दोस्तों बने रहिए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का थी हमारे सभी भाइयों को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय।